अब यूजर फॉर्म हमारा ये बना हुआ है, और साथ में यूजर फॉर्म के साथ साथ हमारा डेटा ये रहा, डेटा यहां दिख रहा है आपको। अब मुझे यहां पे सिंपली आईडी नंबर डालना है, आईडी शो पे क्लिक करूंगा, क्लिक होते ही नेम और बाकी जो डिटेल्स है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम कोड करेंगे। कहाँ कोड करेंगे? तो कोड करेंगे यहाँ डबल क्लिक शो पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करेंगे डिम, आर करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसमें हम सिंपल लिखते हैं फोर। देखिए इसमें मैच भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो मैच के बाद क्या होगा, एरर आने के चांसेस होंगे। तो यहां पे करते हैं टू टू शीट्स, और शीट्स में हमने क्या किया यहां टू से शीट्स शीट वन है, या डेटा शीट कर देता हूँ, डेटा रहेगा नाम सही रहेगा, या फिर कैप्शन नेम से भी चल सकते हैं, डेटा डॉट रेंज A65000 डॉट एंड एंड एक्सेल अप डॉट रो, और यहां पे एड। अब यहाँ पे एक कन्वर्जन वो करो, या फिर आप यहाँ पे हम लेता हूँ दिल, यहाँ पे आईडी आईडी एज ए इंटीजर, और यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे आईडी इक्वल टू मी डॉट टेक्स टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, और यहां पे करते हैं इफ सेल्स ले लीजिए, हाँ सेल्स सही रहेगा, सेल्स सेल्स में हमने रो नंबर रख दिया आई कॉलम नंबर वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आई डी बैक, यहां हो जाएगा मी डॉट टेक्स बॉक्स टू डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स आई कॉमा वन वन टू सॉरी टू वैल्यू, ठीक है। अब इसी को कॉपी करके हम पेस्ट पेस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, तो ये हो जाता, ये हो गया आईडी, ये हो गया आईडी के लिए, ये हो गया आपका थ्री, हो गया आपका नेम, सॉरी ऊपर आईडी हो गया, आईडी तो ऊपर है ना, माफ कीजिएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स टू है ना, टू हो गया नेम, ये हो गया आपका जैन, ये हो गया फैब फैर, ये हो गया मार्च, अप्रैल, मई हो जाएगा सेवन, और जून हो जाएगा एट, बाकी चीज लेने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे टू हो जाता है, यहाँ हो जाएगा थ्री, यहाँ हो जाएगा फोर, यहाँ हो जाएगा फाइव, यहाँ हो जाएगा सिक्स, यहाँ हो जाएगा सेवन, यहाँ हो जाएगा एट। एक बार यूजर फॉर्म चेक कर लेते हैं कि लास्ट वाला हमारा एट ही है, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, राइट, हो गया। और फिर यहां पे कर देंगे नेक्स्ट आई, और यहीं पे नेक्स्ट आई नहीं, यहीं पे हमको एंड सब भी तो करना है, एग्जिट सब भी तो करना है, एग्जिट सब, ठीक है, क्योंकि मुझे डेटा मिल गया तो फिर आगे क्यों लूप बढ़ाना है हमें, राइट जी।
अब यहाँ पे प्ले करते हैं, मैंने यहाँ पे वन डाला और शो पे क्लिक किया, डिटेल आ गया। जी टू यहाँ पे टू डाला और शो पे क्लिक किया, आ गया। थ्री जी डाला और शो पे क्लिक किया, आ गया सर शो। अब यहाँ पे चीज है कि जैसे मैं ब्लैंक किया ना सर, तो ये सारा ब्लैंक हो जाना चाहिए, ठीक है। और नंबर डालो था कि मैं चाहता हूँ शो से इसका लिंक ही ना हो, क्या मतलब समझा नहीं मतलब शो पे क्लिक करके तब करते हैं तब तो डेटा आता है ना। क्या। मैं चाहता हूं कि यूजर फॉर्म में आईडी में टाइप करूं और टाइप करते ही डेटा आ जाए। ओके आईडी को टाइप करूं और टाइप करते ही डेटा आ जाए, तो क्या करेंगे इसके लिए? इसको मैं एक अलग तरीके से समझाता हूं ताकि वो कोड रिप्लेस नहीं होगा। हम यहां पे एक लिख देता हूं आईडी, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करता हूं। ये सारी प्रोग्रामिंग जो आपने लिखी है ना सर, ये सारी प्रोग्रामिंग इसमें आएगी, आगे। और यहाँ जो हमने किया हुआ है आईडी जो टेक्स्ट बॉक्स में है, तो यहाँ पे नाइन हो जाएगा, नाइन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे नाइन करता हूँ, आ गया। डिलीट करता हूँ तो डिलीट करते क्या आ जा रहा है? टाइप मिसमैच, मतलब कि एरर आ जा रहा है, आ गया सर एरर। ये ऊपर क्या था पहले वाले, इसमें वही था ऊपर वैसे। आप स्क्रॉल करिए ऊपर थोड़ा। तो ये हाँ इंटीजर हाँ है ना, इंटीजर है, लेकिन अच्छा होता अच्छा हुआ होता क्या है, जब ब्लैंक हो जाता है ना सर, तो हाँ ब्लैंक होने के बाद क्या हो जाता है, वो टेक्स्ट हो जाता है, हाँ तो उस केस में दिक्कत होता है। तो यहां पे मैं इसको एज ए वेरिएंट कर दूं तो कब क्या होगा था? तो वेरिएंट कर देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं नाइन डाला, नहीं है, 10 नहीं, 11 नहीं, तो इसमें वेरिएंट करने के साथ हमें यहाँ पे छोटा सा ये करना पड़ेगा, चेंजिंग करनी पड़ेगी, जो सेल और यहाँ जो आईडी दिख रहा है ना सर, ये वैल में आ जाएगा, वैल्यू में तो मैच करेगा क्योंकि सिस्टम में तो नंबर है ना। तो यहाँ पे अगर मैं अब वन करता हूँ तो डिलीट आ रहा है, डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो रहा है, बट ये डेटा डिलीट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो डेटा डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एल्स में कुछ दिया ही नहीं ना, हमें यहाँ एल्स देना होगा। क्या देना होगा? एल्स। और एल्स में हमने ये जो चीजें की है ना, ये सारा चीज आएगा, और यहाँ पे एंडिंग। बस इसमें जो हमें डाला हुआ है उसके जगह पे ब्लैंक, ठीक है। एक्सल नथिंग भी तो होता है, डाल के देखता हूँ एक्सल नथिंग में क्या आता है। एक्सल नथिंग वर्क नहीं करना चाहिए इसमें, फिर भी मैं करके देखता हूँ। यहां पे मैंने नाइन दिया, रिकॉर्ड आ गया, नथिंग जो है देखिए नहीं काम किया, नथिंग यहाँ पे, मतलब कि नथिंग यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। जैसे इसमें एक्सल नथिंग की जगह पे वीवी ना, वीवी नथिंग कर दूं तो वीवी नथिंग होता ही नहीं है क्योंकि एन बड़ा नहीं हुआ ना। अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब दो तरीका मैंने समझाया कि मैंने यहाँ पे वन पे क्लिक किया, शो किया, तो यहाँ पे डेटा आ जा रहा है, राइट। और जैसे मैं यहाँ पे 15 किया तो 15 का आया, डिलीट करता हूँ वन हुआ तो वन का आ गया, ब्लैंक हो गया। 90 किया ऐसे ही, 90 है नहीं, 9 का डेटा आ गया। 20 किया, 20 में दिख रहा डेटा, जैसे मैं डिलीट करूंगा तो 2 का आएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए कि मैं यहाँ चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, करो ना सर चेंज। और जैसे कि आप बातें हैं कि हर क्लास के बाद आपको कुछ ना कुछ देता हूँ, आज भी दूंगा,
कल की प्रॉब्लम थी, तो आज जो मैंने तरीके बताया उसकी मदद से आप कल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आज तो हमें ब्लैंक की प्रॉब्लम हुई थी ना सर, जो ब्लैंक दे रहा था तो पॉपअप दे रहा था ना, कुछ चल नहीं रहा था, मैसेज दे रहा था, क्योंकि ब्लैंक टेस्ट होता है, टेक्स्ट होता है, और इस पे आई नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे वेरिएंट लगा दिया। मेरी प्रॉब्लम ब्लैंक ही थी, तो मैंने अपने तरीके से सॉल्व की, आप अपने अपना तरीका बताइए। अब इसमें आपको क्या करना है, दो चीज करना है, इस सारा आईडी के टेबल, आईडी वाले पार्ट को छोड़ के जितने भी चेक बॉक्स है वो सारे के सारे होने चाहिए डिसेबल। सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिसेबल होने चाहिए। और यहाँ आप एक एडिट का बटन बनाए, ठीक है, तो यहाँ जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस सारा अनेबल हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसमें थोड़ा तरीक है सर। जैसे कि अभी होगा ये एडिट होगा, क्या लिखा होगा, ये होगा एडिट, एडिट हुआ, ठीक है। तो जब ये प्ले करेगा ना, तो जैसे यहाँ पे नंबर डाला, नंबर आ गया, अब एडिट पे क्लिक होगा, एडिट पे क्लिक करते ही पूरा का पूरा अनेबल हो जाएगा, ठीक है। और एडिट जो है, एडिट चेंज हो जाएगा सेव में या चेंज में हो जाएगा, समझे, कुछ समझेंगे सर। तो सेव भी करेगा शीट पे, नहीं करेगा, हाँ डेटा नहीं, डेटा स्टोर करेगा, नहीं समझे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने 3 नंबर को किया तो 3 नंबर का कविता का रिकॉर्ड आ गया, तो पता चला कि 11 नहीं था, 91 था, तो मैंने यहाँ पे 91 चेंज करना है, तो मैं डायरेक्टली इसमें 91 नहीं कर पाऊँ, इस तरह से डायरेक्टली नहीं कर पाऊँ, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा, अब हो सके तो एडिट पे आईडी पासवर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं आप, कि भाई आईडी पासवर्ड डालोगे तभी हम आपको एडिट करने का ऑप्शन देंगे, ठीक है। अगर आईडी पासवर्ड डाल देगा या फिर एडिट पे क्लिक कर देगा तो फिर इसमें वो टाइप कर पाएगा, लेकिन जब एडिट पे क्लिक कर देगा और ये सारे चीज अनेबल हो जाएगा, तो यहाँ जो कैप्शन एडिट लिखा हुआ है ना, एक कैप्शन चेंज हो जाना चाहिए, समझे। जैसे आप लोग करते हैं ना, जैसे आप लॉग इन का बटन होता है, क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो लॉग इन लॉग आउट दिखता है आपको, उसी तरह से फर्स्ट टाइम मुझे एडिट दिखे, नेक्स्ट टाइम मुझे वहां पे चेंज दिखे। और ये सेव में चेंज हो गया तो वो क्लिक करके वहां पे 91 भी चेंज होना चाहिए, नहीं? हाँ, फिर डेटा भी चेंज होना चाहिए, वो भी डेटा चेंज हो गया, वो तो मैंने बताया हुआ है ना आपको सर। अच्छा, इन डेटा इंसर्ट करना तो बताया हुआ है मैंने। अच्छा नहीं, वो तो इंसर्ट नहीं हुआ, अपडेट कर रहे हैं ना डेटा, पर अपडेट तो हुई है ना आपको, जो मैंने मेथड बताया है आपका वो तो सेम है ना। अच्छा, जो सो के अंदर मेथड है तो क्या करना है, स्विच कर देना है इस पार्ट को, इधर ला देना इस पार्ट को, स्विच कर देना है। अच्छा, इससे क्या हुआ, टेक्स्ट बॉक्स 2 को सेल वैल्यू दे रहा है, एडिट के अपडेट के केस में क्या होगा, सेल टेक्स्ट बॉक्स 2 से वैल्यू लेगा, बाकी जो ऊपर इफ कंडीशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, इस पे काम कीजिए।